मैंने कहा इस लखनऊ में भी वही जीते, आज तक नहीं जीते होंगे लेकिन इस बार जीते। मैंने नेता ही से कहा कि लोग ये कह रहे हैं, नेता ही लोगों को बुलाया, कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यहां अब ये कैसे हो सकते हैं एमपी, यहां तो ऐसा ही है। तो आपको मालूम फिर क्या हुआ, चकननगर जैसी पोलिंग स्टेशन पे आप सोच सकते हैं, जब वोट खुला तो कमांडर साहब को 0, सुकदा मिश्रा 1, राम सिंह साक 900, यह हालत हो गई। इस तरह से लोगों ने वोट दिया था। और ऐसा हुआ कि घाटमपुर से लेकर सहारनपुर की सारी 34 सीटें हम लोगों की पार्टी के खाते में गई। और इसीलिए इंदिरा जी ने कहा कि ये कौन है, कैसे ऐसा हुआ कि हम सत्ता में आ गए और यहां सब सीटें हार गए। इन लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह बोले से विधानसभा में चुनाव हरवा दो, हरवा दिया जबरदस्ती, सरकारी दल पर जबरदस्ती नेताजी को वोट नहीं डालने जाने दिया गया। सवेरे जिला कलेक्टर ने और एसपी ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया, ये स्थिति थी। लेकिन तब से ये हुआ कि सिर्फ एक बार चौधरी रघुराज सिंह यहां से कांग्रेस के एमपी हुए, वरना या तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, लोकदल थी, जनता पार्टी थी, सारे एमपी आज तक वही हुए। दो बार राम सिंह साखी हुए, रघुराज सिंह हुए, और जब रिजर्व हो गई तो प्रेमदास कठेरिया हुए। अब रिजर्व एटाप अब ये जसवंत नगर मैनपुरी में आ गया। तो नेताजी ने, लोग कहा करते हमसे कहते थे कैसे हो सकते हैं सब्जी बेचने वाले एमपी हो जाएंगे, चार चार बार इटावा से सब्जी बेचने वालों को नेताजी ने बनाया एमपी। कुछ लोग कहते थे उनका मुंह, अब वो हो ही नहीं पाते कभी, अब तो सवाल नहीं, कोई रिजर्व हो गई थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था नेताजी ने की, सम्मान के साथ जीना सिखाया लोगों, सिखाया कि नहीं सिखाया बोलो। वरना कुछ इलाके ऐसे थे जहां से आप निकालते थे जाते थे तो दरवाजे से जाओ तो जूता पहन के नहीं जा सकते, बड़े आदमी थे कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये कैसे निकलेगा। अच्छा भाई, दूल्हा घोड़े पे चल के नहीं जा सकता। इन सबको ठीक तरीके से जीने का रास्ता नेताजी ने दिखाया। ये बहुत बड़ा योगदान है नेताजी का, युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां इतिहास जब लिखेगा तो नेताजी को याद